हमें भारत के संबंध में दो प्रमुख तथ्यों को स्वीकार करना होगा। वो ये कि भारतीयों के लिए जाति और क्षेत्र सर्वप्रिय है। आज मैं सेना बलों में अहीर यादव रेजिमेंट की मांग के बारे में बात करना चाहता हूं। यह मांग निसंदेह ना केवल उचित है मेरे हिसाब से, बल्कि अत्यधिक संवेदनशील भी है। बहुत हद तक यह अहीरों और यादवों के लिए सही और विशेषाधिकार की बात है। ये एक मेरे हिसाब से ऐसा मुद्दा है और या एक ऐसी मांग है जो तथ्यों और आंकड़ों पर आधारित है। क्या हैं ये तथ्य और आंकड़े, क्या आप जानते हैं? तथ्यों को जाने, आंकड़ों को जाने और आगे इस वीडियो को देखते रहें। Please subscribe to this YouTube channel ITV Mentor Talk and do press bell button for notifications. क्या आप जानते हैं कि आज भारतीय फौज में अनेकों ऐसी रेजिमेंटें हैं जो मेरे हिसाब से लगभग 19 या उससे ज्यादा हैं, उसके आसपास हैं, जिनका गठन जाति, संप्रदाय अथवा क्षेत्र के आधार पर हुआ है। जैसे कि डोगरा रेजिमेंट जाति के आधार पर, कुमाऊं रेजिमेंट क्षेत्र आधारित, जाट रेजिमेंट जाति आधारित है, सिख रेजिमेंट धर्म संप्रदाय आधारित है, राजपूत रेजिमेंट जाति के आधार पर है, गढ़वाल राइफल्स, असम रेजिमेंट आदि कई रेजिमेंट हैं। और ये स्वाभाविक है कि इन तमाम जाति क्षेत्र संप्रदाय आधारित रेजिमेंटों में लोगों को बड़ी संख्या में भर्ती मिलती है उसी के आधार पर। एक उनको एक एडवांटेज है उस चीज का। अहीर ऐतिहासिक पृष्ठभूमि से एक लड़ाकू जाति रही है। 1920 में ब्रिटिश शासन में अहीरों को एक कृषक जाति के रूप में वर्गीकृत किया गया था, कृषक जाति। पर क्या आप जानते हैं कि उस काल में लड़ाकू जाति को उसके आधार पे लिया जाता था, कृषक जाति के हिसाब से उनको एक जैसा समझा जाता था। 1898 यानी कि 1898 से सेना में भर्ती होते रहे अहीर, और तब ब्रिटिश सरकार ने अहीरों की चार कंपनियां बनाई थी, रेजिमेंट नहीं, चार कंपनियां बनाई थी। 1962 के भारत चीन युद्ध के दौरान 13 कुमाऊं रेजिमेंटों की अहीर कंपनियों द्वारा रेजांगला का मोर्चा भारतीय मीडिया में सराहनीय रहा है, बहुत आप सबने पढ़ा होगा। ये भारतीय सेना की राजपूत रेजिमेंट में भागीदार हैं ये अहीर यादव। भारतीय हथियारबंद सेना में आज तक बख्तरबंद कोरों व तोपखानों में अहीरों की टुकड़ियां विद्यमान हैं। यादव जाति के वीर योद्धाओं ने भारत की आजादी के लिए हुए संग्राम में बढ़ चढ़कर भाग लिया और कितने ही बलिदान दिए उन्होंने, जिसके कारण ब्रिटिश शासन के दौरान यादवों की कोई रेजिमेंट नहीं बनाई गई, क्योंकि उनको उनके ऊपर एक चेक रखा गया, क्योंकि वो एक बहुत ही स्ट्रांग कम्युनिटी थी और ट्राइब था। तो उनकी कंपनियां बनाई गई पर उनकी रेजिमेंट नहीं बनाई गई, क्योंकि ब्रिटिशर भी उनसे घबराते थे, डरते थे। यादव जाति की आबादी भारत में करोड़ों की संख्या में है। कुछ अनुमान के अनुसार ये 18 से 20 करोड़ भी हो सकती है। एक वीडियो में तो वो 26 करोड़ बोल रहे थे, पर चलो मैं 18 से 20 करोड़ भी कहता हूँ, इससे ज़्यादा भी हो सकती है। यादव भारत में अलग अलग नाम से
जाने जाते हैं, अहीर, यादव, यदुवंशी, ग्वाल, गोप, आयर, राव आदि कई नामों से जाने जाते हैं। और हरियाणा, उत्तर प्रदेश, बिहार, बंगाल, झारखंड, राजस्थान, दिल्ली, आंध्रा, तेलंगाना, कर्नाटक, तमिलनाडु आदि अन्य राज्यों में ये बसे हुए हैं, बहुत जगह इनकी उपस्थिति है। जब भारतीय सेना में कुछ जातियों को अपनी अपनी रेजिमेंट है तो यादव और अहीर रेजिमेंट क्यों नहीं, जब उनकी हर तरह से कॉन्ट्रीब्यूशन है इन इन ऑल बैटल्स एंड वॉर्स। ये सच है कि यू नो तमाम जाति धर्म सांप्रदाय आधारित रेजिमेंट ब्रिटिश शासनकाल से गठित हुई थी और वे आज तक भारतीय सेना में अपनी भूमिका निभा रही हैं, जो मैंने अभी पहले आपसे कुछ नाम शेयर भी किए। राष्ट्र रक्षा कर रही हैं ये सब रेजिमेंट बढ़ चढ़कर, लेकिन आज तक अहीरों को अपनी रेजिमेंट भारतीय सेना में नहीं मिली है, जबकि यादव अहीर जवान भी उतने ही शूरवीर हैं, कोई डाउट नहीं है, कोई संदेह नहीं है। उन्होंने भी देश के लिए कई लड़ाइयों में भाग लिया जितना बाकी सब ने लिया। अहीर आधुनिक युग में और भी अधिक यू नो क्रांतिकारी हिंदू समूहों में से एक रहे हैं, ये सबका मानना है, हिस्टोरियंस का भी ये मानना है, इस तथ्य को वो भी एंडोर्स करते हैं। अहीरों ने कई राजवाड़ों में भी राज किया है और बहुत शूरवीरता से उनका बचाव भी किया। अहीर राज्यों में जो मुझे कुछ राज्य उनके याद आ रहे हैं, सबसे पहले तो ये राव तुलाराम जी का रेवाड़ी का राज्य, नासिक में वीरसेन जी का राज्य, उसके बाद वर्तमान नेपाल में 12वीं शताब्दी के पूर्व क्षेत्रों में अहीर वंश की स्थापना हुई थी, उसके बाद जालेसर और करौली का भी अहीर साम्राज्य इतिहास में काफ़ी परिचय रखता है, उसके बाद सागर में भी अहीर राज्य की स्थापना हुई थी। तो ऐसे कई राजवाड़े हैं अहीरों के इतिहास में। फौज में भागीदारी किसी भी समाज के लिए एक गर्व का एहसास करवाती है। इसके अलावा अहीर रेजिमेंट यादवों के उन पुरखों और शहीद जवानों के लिए भी एक श्रद्धांजलि होगी जो देश के लिए शहीद हुए हैं, अगर ये रेजिमेंट बनती है तो एक ये श्रद्धांजलि मानी जाएगी। तभी मैंने बोला था शुरू में कि ये संवेदनशील मामला भी है। यादव भारतीय फौज के प्रति कितने उत्साहित हैं और कितना सम्मान रखते हैं, यह इस उदाहरण से ही समझा जा सकता है कि देश में सबसे ज्यादा फौजी देने वाला राज्य हरियाणा में बड़ी संख्या में फौजी जवान अहीरवाल क्षेत्र से देता है। अहीरवाल क्षेत्र से बहुत जवान आते हैं जो हरियाणा में है, गुड़गांव से आगे जाके रेवाड़ी, महेंद्रगढ़, ये सारा इलाका। इन अहीरवाल के जवानों ने सदैव मातृभूमि के लिए संघर्ष किया है हर समय, और एक और चीज मैं कहना चाहूंगा कि कई वर्षों से यादव समाज की ओर से ये यादव रेजिमेंट की मांग रही है, ये आज की मांग नहीं है, आज तो ये ज्यादा उठी है मुझे लग रहा है, बट ये तो कई सालों से, अगर आप रिसर्च करें तो कई सालों से ये डिमांड रही है, उनकी मांग रही है, कई बार उठाई जा चुकी है, किंतु दुर्भाग्य से अब तक इसका गठन नहीं हुआ अहीर रेजिमेंट का। मुझे नहीं लगता ये कोई राजनीतिक मुद्दा है, वो तो पॉलिटिकल लीडर्स
डिमांड उठाते ही हैं, पर ये राजनीतिक मुद्दा नहीं है, ये एक ऐसी मांग है जो दिल से जुड़ी है सारे भारतीयों की, सिर्फ अहीरों की नहीं, सारे भारतीय ये चाहते हैं कि अहीर और यादव रेजिमेंट बने। ये देश के जज्बात से जुड़ी हुई है, देशवासियों के जज्बात से जुड़ी है ये जो मांग है अहीर और यादव रेजिमेंट की। तो मेरे हिसाब से ये एक बहुत ही उचित मांग है, जैसे मैंने शुरू में बोला था इस वीडियो से के माध्यम से, तो ये माननी चाहिए सरकार को। तो मैं तो ये बोलूँगा, जय जवान, जय किसान, जय हिंद।